हाय, मेरा नाम सोनू सिंगल है। ये मेरी मामा है गायत्री जी। इनको 2 महीने पहले कुछ सांस में दिक्कत हुई थी, तो उसके रिलेटेड हमने जोधपुर में रहते हैं तो वहाँ पे एक डॉक्टर को दिखाया था। एंड इनिशियल ट्रीटमेंट जो होता है, इनको न्यूमोथोरेक्स डिटेक्ट हुआ था। एंड इनिशियल ट्रीटमेंट जो उसका होता है ड्रेनेज ट्यूब वाला, वो उन्होंने स्टार्ट करा, बट अनफॉर्चुनेटली 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी उससे वो कम्प्लीटली हील नहीं हुआ। तो सोनी सर ने सजेस्ट करा था सुकराम जी से मिलने का, एंड देन ही सजेस्टेड अबाउट दिस सर्जरी। सो फिर हम यहाँ पे गुड़गांव आए, और आई मीन सुकराम जी शुरू से ही बड़े, पहली बार जब इनसे मिले थे तभी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, बिकॉज इनका जो द वे ऑफ ही टॉकिंग एंड जिस तरीके से ये पेशेंट को केयर करते हैं वो बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे आके भी काफ़ी अच्छा लगा, इजीली सारी चीज़ें मैनेज हो गई, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं हुई। सिस्टम वाइज जो जो भी प्रोसेस है हॉस्पिटल का एंड स्टाफ वगैरह, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मिसेस गायत्री जी जो है वो हमारे पास जोधपुर ओपीडी के अंदर दिखाने आए थे। इनकी बीमारी जो थी उसका नाम है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स वो होता है जिसके अंदर छाती में हवा भर जाती है, और उस हवा भरने का कारण जो होता है वो फेफड़े के अंदर या तो गुच्छा बनना होता है या फिर कोई कमज़ोर पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो पॉइंट लीक कर जाता है और फेफड़े में हवा भर जाती है। तो इनको जब ये प्रॉब्लम पहली बार हुई तो चेस्ट ट्यूब डाली गई, लेकिन चेस्ट ट्यूब निकालने के बाद दोबारा से इनको यही प्रॉब्लम हो गई और दोबारा चेस्ट ट्यूब डाली गई। उसके बाद से चेस्ट ट्यूब के साथ ही इनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उस सिचुएशन में इनको सर्जन की ज़रूरत पड़ी, और एज ए सर्जन ने हमें जोधपुर ओपीडी के अंदर कंसल्ट किया था। तो इस बीमारी का जो इलाज होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है कि हम दूरबीन की एक छोटी सी सर्जरी करने के लिए छोटे छोटे छेद से हम दूरबीन से अंदर जाते हैं, और जो कमज़ोर पॉइंट होता है या जो गुच्छा होता है उसको हम निकाल देते हैं। और दूसरा जो हिस्सा होता है वो ये होता है कि ये प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो, तो उसके लिए जैसे इस कमरे को आप अपना छाती मान लीजिएगा और फेफड़ा गुब्बारे की तरह है, तो फेफड़े को 360 डिग्री छाती से चिपका दिया जाए ताकि ये दोबारा प्रॉब्लम कभी ना हो। तो उस प्रोसीजर को हम टाल प्लूरोडेसिस या प्लूरेक्टमी कहते हैं। इनके केस के अंदर हमने टाल प्लूरोडेसिस किया था जिसकी वजह से दोबारा कभी प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद 3 से 4 दिन तक हम चेस्ट ट्यूब रखते हैं और उस चेस्ट ट्यूब को निकाल देते हैं। इनके केस में भी ठीक वैसा ही किया था, हम अंदर गए थे दूरबीन की छोटे छोटे छेद से, और उससे हमने वैट्स ब्लेबेक्टमी की और उसके साथ जो है वो टाल प्लूरोडेसिस किया। 5वें दिन इनकी ट्यूब निकल गई थी, ये बिल्कुल ठीक थे और इनका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, और ये आज वापस घर जा रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर सुकराम बिश्नोई फॉर दिस होल प्रोसेस एंड हिज नेचर एंड फॉर दिस सर्जरी। एंड लाइक आई वॉज लकी इनफ यू नो टू मीट विथ हिम थ्रू मिस्टर राजेश सोनी, एंड या थैंक्स अ लॉट सर।